नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में कई नेता बगावत पर उतर आए हैं। कई नेता अपनी नाराज़गी जताते हुए दिल्ली तक का दौरा करने लगे हैं और उनके समर्थक भी उनके साथ हैं। खबर है कि कल जैसे ही नेता विधानमंडल दल पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, कई नेता नाराज हो गए। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत की नाराज़गी को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे संपर्क साधा। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत से बात कर उनकी मंशा जानने की कोशिश की और जो असंतोष था उसे कम करने की कोशिश की। उनका असंतोष कम होता इससे पहले ही पार्टी के एक और दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल भी नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को स्पष्ट बता दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल नहीं होंगे, यानी कि पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में शामिल होने से बिशन सिंह चुफाल ने साफ इनकार कर दिया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी रोचक बात यह है कि बिशन सिंह चुफाल और भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, दोनों के दोनों कुमाऊं के बड़े दिग्गज नेता हैं और दोनों के बीच में जो सियासी दूरियां हैं या तनातनी है वो लगातार चलती रही हैं। पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी के शिष्य हैं, इसलिए अब बिशन सिंह चुफाल को कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी कुर्सी भले ही खतरे में ना हो लेकिन उनका कहीं ना कहीं सियासी कद हल्का हो सकता है। सतपाल महाराज के दिल्ली में डटे रहने की बात बताई जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व से वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई और नेता ऐसे हैं जो पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में या उनके अंडर में काम करने से कतराने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए ये संकट खत्म कब होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 5 साल पूरे होने से पहले तीसरा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया और पार्टी के भीतर का असंतोष अभी भी बरकरार है। तो देखना ये होगा कि ये संकट कब थमता है और कैसे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।